आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सिकंदरा कानपुर देहात के थाना मंगलपुर में पत्नी के मायके से ससुराल न जाने से परेशान एक युवक ने थाने पहुंचकर ससुराली जनों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हुए लगाई न्याय की गुहार। जानकारी के मुताबिक औरैया जनपद के गांव निवासी बेवरा नवलपुर के एक युवक की शादी वर्ष 2015 में नीलम देवी पुत्री राजनारायण जिग्नापुरवा निवासी पूरी रीति रिवाज के साथ हुई थी। इसके बाद कुशलता पूर्वक शांति ढंग से अपना जीवन यापन करने लगे। किसी नोकझोंक के कारण दोनों में आपस में विवाद हो गया। इसके बाद मायके पक्षवालों ने नीलम देवी को अपने घर पर 15 दिन की रिमांड रखी। प्रार्थी ने उनकी डिमांड मानते हुए नीलम देवी को उसके मायके भेज दिया। 15 दिन बीत जाने के बाद प्रार्थी ने जब फोन पर बातचीत की तो मायके पक्षवालों ने गालियां देकर आने को मना कर दिया। प्रार्थी उदयवीर का कहना है कि तभी प्रार्थी ने थाना मंगलपुर पहुंचकर अपनी पत्नी नीलम देवी को अपने साथ ले जाने की गुहार लगाई। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला, जांच कर होगी उचित कार्यवाही। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से नरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह साहब। इस समय कहाँ आए हो? मंगलपुर थाना। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या सर, पत्नी मायके में रहती है, बहुत परेशान कर रहा है। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम नीलम देवी है। अच्छा। हाँ जी। पिता का नाम उनके राजनारायण सिंह निषाद जिगना। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। ये मायके में रहती है, अपने पास घर पर भी रहती नहीं है और परेशान करती रहती है माँ बाप मम्मी को और मेरे को भी परेशान कर करके रखा है, बहुत दुखी कर रखा है मेरे को। उनके पापा के पास फ़ोन करो ले जाने के लिए तो मेरे को गालियाँ देते हैं और आने के लिए बोलते हैं आइए यहाँ पर तो तुम्हारी को मारेंगे चप्पल जूते और तबाह बांध के आना और छोटे बच्चे से भी मरवाएंगे, बहू से भी मरवाएंगे और अपनी बेटी से अपनी बीवी और उसमें अपनी पत्नी से भी मरवाएंगे। इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।